मिली हुई तो देखो बच्चा ये लाइव नंबर हमें लगता है नौ या दस है जो भी है यहाँ पर मैं जरूर लिख दूंगा एक्सरसाइज टू पॉइंट वन नाइन्थ एन सी आर टी हम्म तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना क्या दिख रहा है ये फोर एक्स का स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का सेवन इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ यक्स है ना सिर्फ और सिर्फ यक्स है यानी ये क्या है एक चर राशि में बहुपद है क्या है भैया ये पहला वन चर राशि में बहुपद है कह रहा कारण के साथ उत्तर दीजिए क्योंकि इस समीकरण में इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक चर राशि है जो कि यक्स है क्या है है ठीक है दूसरे वाले में देखो सेकेंड वाले में ये एक चर राशि वाला बहुपद है आप लिख दोगे तो एक चर राशि वाला बहुपद है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर राशि x है बस और कुछ नहीं है ठीक है अब मेरे में ज्यादा जगह नहीं है बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे अगला देखिए इसका सेकेंड पार्ट इधर में दिखा देता हूं सेकेंड पार्ट कह रहा कि y का स्क्वायर प्लस अंडरवुड टू मैं लिखूं या ना लिखू देखो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ वाई है और कुछ नहीं है ना ओनली वाई है और कुछ नहीं है ना तो यह भी एक चर राशि वाला बहुपद है ना तो इसमें है है ना है और कुछ नहीं है और कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें नहीं ना अगला अगर थर्ड पार्ट आप देखिए तो थ्री इंटू t टी प्लस टी इंटू अंडरवूट दो इसमें देखो टी दो बार है ना दो बार है लेकिन ये भी एक राशि वाला बहुपद है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ टी है बाकी और कुछ नहीं है पांचवा वाला नहीं है एक चर राशि में बहुपद बस बाकी सब है ठीक है समझ में आया ना लास्ट वाला नहीं है बाकी सब है एक चर राशि में बहुपद जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं लिख लीजिएगा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया संकी यादव मेरे गांव पहले नंबर का तीन आंसर इन्होंने कहा है एफ स्टोर ठीक है भैया बहुत अच्छे अरविंद तिवारी गुड इवनिंग क्वेश्चन पे आइए भाई सेकंड नंबर दिखाइए निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए क्या करना है एक्स स्क्वायर का काफिशियंट बताना है निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक चलो बताओ देखो ये बड़ा सा दिया गया है जो आपको इक्वेशन है पूरा फुल दिया गया है टू प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स लेकिन जो गुणांक निकालना है हमें वो सिर्फ एक्स स्क्वायर का निकालना है तो फर्स्ट वाले में गुणांक क्या होगा बोलो हम्म क्या होगा पहले में गुणांक देखो फर्स्ट वाला है भाई टू प्लस यक्स का प्लस इसमें से हमें सिर्फ यक्स का स्क्वायर निकालना ये इसी का गुणांक निकालना है देखो भैया इनके आगे पीछे कुछ नहीं है खोपड़ी पे घात है उससे कोई मतलब नहीं नहीं तो कहो कि ये दो दिया ये तो घात है यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक वन है अगर कुछ नहीं होता तो वन माना जाता है ठीक है अगर यह ऐसे होता और आपसे पूछता कि स्क्वायर का गुणांक बताओ तब कितना होता तब होता ना इसमें का गुणांक बाबू नाइन होता याद रखना ठीक है नाइन लेकिन इसमें कुछ नहीं तो वन अगर यहां पे टू होता थ्री होता इसके पहले तो वही गुणांक माना जाता है ठीक है सेकंड वाले में क्या होगा सेकंड वाले में क्या होगा मैंने आपको बताया था ना कि जो आप क्रियाक्रम कर रहे हैं वो सब शामिल होता है आपकी जिंदगी का जो फल मिलता है उसमें तो उसी आधार पर ना इसमें माइनस वन होगा सेकेंड वाले में माइनस वन होगा बेटा क्या होगा माइनस वन होगा सेकंड वाले में आ, क्योंकि देखो टू माइनस यक्स का स्क्वायर और प्लस यक्स का क्यूब है इसमें अगर एक चीज आप ध्यान दो तो इसमें जो यक्स स्क्वायर है वो माइनस चिन्ह के साथ है तो हम इसमें पूरे में निकालते हैं याद रहे अगर माइनस में वो टर्म्स दिया है जिसका हमें ऑप्शीजन फाइंड करना है तो उसका आंसर भी माइनस में आता है माइनस वन होगा अगर ये माइनस नाइन एक्स का स्क्वायर होता तो, तो इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता माइनस नौ होता क्या होता माइनस का नाइन होता ठीक है समझ रहे हो ना आप लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं ना तो बेहतर है ना आशीष कुमार समझ में आ रहा है उत्कर्ष देवगन स्टडी सूरज गुड इवनिंग अगला थर्ड वाले में देखो बच्चा पाई अपान टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स थर्ड वाला भी देख लो इधर साइड में सीमा समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं देखिए स्क्वायर प्लस एक्स भाई कॉमेडी मोह जुड़े हैं कि नहीं मोहित पाला भी जुड़े हैं लॉकुस जुड़े हैं तो बोलिए है, हाँ, मत। हम्म इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बोलिए क्या होगा टेंथ का सुबह आठ बजे चलेगा थोड़ा सा वेट करिए बस चलेगा चलेगा ठीक है वेरी गुड वेरी गुड बच्चे वेरी गुड वेरी गुड चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे ठीक है आगे बढ़े चलें फिर चलिए इसमें पाई अपन टू होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा पाई अपन टू क्या होगा पाई अपन टू ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट एनी प्रॉब्लम नहीं ना चलो तो इसमें अभी कितना और बचा है भाई अंडर रूट टू माइनस का वन अंडर रूट टू माइनस का वन इसमें यक्स का गुणांक क्या है यक्स स्क्वायर का पूछा था लेकिन ना ये तो इसमें तो यक्स का स्क्वायर कहीं कुछ है ही नहीं इसमें तो कहीं यक्स का स्क्वायर कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे क्या करेंगे बोलो ना हम्म ट्राई करके देखो एक बार देखो मैं बताता हूं इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक अगर है ही नहीं तो आप जीरो लिख सकते हो ठीक है क्या लिख सकते हो आप जीरो लिख सकते हो सुनने क्योंकि कुछ है नहीं आगे बढ़े अगला क्वेश्चन दिखाइए थर्ड नंबर आप सभी पढ़ रहे हैं कक्षा नौ की एनसीआरटी गणित प्रश्नावली आपका चल रहा है कौन सा टू पॉइंट वन एक्सरसाइज टू पॉइंट वन चल रहा है बेटा ठीक है थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर दिखाओ भाई ये फाइव नंबर आ गया क्या हम्म कह रहा है कि पैतीस घात के द्विपद और सौ घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए 35 घात के द्विपद और सौ घात का एक पदी का एक उदाहरण दीजिए देखो कोई एक एग्जाम्पल दे देना है जिसमें थर्टी फाइव घात हो और वो द्विपद हो और एक एग्जाम्पल दे देना जो सौ घात का हो एक पद हो ठीक है तो चलो लिख दो कोई भी लिख दो दुई पद में मान लो पैंतीस घात का थर्टी फाइव के प्लस का नाइन हो गया यह भी आपका इसका पहला हो गया आंसर एक चीज इसमें और पूछ रहा था कह रहा था कि सौ घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए सौ घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए हम्म तो सौ घात का एक पदी भी लिख दो उसमें क्या करना है कोई भी एक वेरिएबल लिख दो जिसमें सौ घात लगा दो मान लो वाई का घात हंड्रेड हो गया या टी का घात हंड्रेड हो गया या घात हंड्रेड हो गया कुछ भी लिख सकते हो इसमें से एक ठीक है बच्चा इसमें से कोई भी एक लिख सकते हो तीनों नहीं लिखना है ये तो मैं तीन दिया हूं आपको समझने के लिए अनिश कुमार समझ में आ रहा है गीता श्रीवास लक्ष्मी कुमारी मनीष घात क्या होता है घात जो उसकी चुर्की पे होती कोपड़ी पे वही घात होता है ये सब मैं बताया हूं आपको पहले से बताया हूं ठीक है बताया हूं सब बताया हूं ठीक है आगे बढ़े चलिए फोर नंबर क्वेश्चन में आओ फोर नंबर क्वेश्चन भाई फोर नंबर दिखा दो पहले तब फोर नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख के आ रहा है ये निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए ये बताओ पहले बहुपद की घात क्या है एनीमन कोई भी बोले बिना किसी शर्म लिहाज के बोलो शेषनाथ जी बताइए फर्स्ट में जो बहुपद की घात है वो कितनी है बताइए देख कर के ईमानदारी से बताइए एकदम प्यार से हम्म देखिए बच्चा एक चीज जान लीजिए जो भी इसमें बहुत सारे पद दिए गए हैं उसमें जो सबसे बड़ा पद है क्या है जो सबसे बड़ा पद है सॉरी जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात कहलाती है ठीक है जैसे पांच एक्स का क्यूब है धन फोर एक्स का स्क्वायर है धन सेवन एक्स है तो इसमें बहुपद की घात तीन मानी जाएगी सबको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है तो बोलो हाँ यस स्क्रीन पर सबको क्वेश्चन दिख रहा ना बेटा कि नहीं दिख रहा ना सभी को हम्म दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है ठीक है तो पहले में बहुपद की घात कितनी है तीन है अब इसमें मैं लिखूं या ना लिखूं आप सभी वैसे भी जान सकते हो फर्स्ट में बहुपद की घात तीन है सेकेंड वाले में देखो बच्चा है फोर माइनस वाई का स्क्वायर फोर माइनस वाई का स्क्वायर इसमें वाई का घात क्या है दो है तो जो अधिकतम घात होती है उसी को बहुपद की घात मानते हैं तो सेकेंड में बहुपद की घात क्या है दो है में देखो बेटा तीसरे में टी है ना सिर्फ फाइव टी माइनस रूट सेवन फाइव टी माइनस रूट सेवन इसमें देखो टी की कोई घात है दिख तो नहीं रही है लेकिन जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी घात एक माना जाता है तो इसमें टी की घात वन है और वही मैक्सिमम घात है ठीक है जीरो नहीं लिखोगे वन लिखोगे T की घात कितनी है इसमें वन है ठीक है भैया कितनी है बाबू वन है क्लियर अगला फोर नंबर में उसमें तो बहुपद है ही नहीं कुछ बनी नहीं रहा सिर्फ एक वेरिएबल सॉरी एक कांस्टेंट दिया है अचर पद तो लास्ट वाले में जीरो है लास्ट वाले में क्या है जीरो है फोर नंबर में क्या है भैया बहुपद की घात जीरो है बेटा ठीक है क्या है जीरो है अगला थ्री नंबर हो गया फोर नंबर क्वेश्चन हो गया फाइव नंबर में आ जाओ कि निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए यानी बच्चा जो आपको ये दिया गया है ना ये रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है हम्म बोलो ये आपको बताना है तो मैं बताऊं कैसे आप जानोगे कौन प्रकार का बहुपद है देखो बीच में जो प्लस माइनस का चिन्ह लगा है अगर वो जुड़ घट करके एक नया पद बन जाता है तो समझ लीजिए कि वो उतने पद का नहीं है जितना पद आपको दिख रहा है लेकिन अगर वो नहीं जुड़ घट रहा है आपस में तो उतना ही पद का बहुपद है जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आइए बात करते हैं हम पॉइंट पॉइंट से समझिए और कोशिश करिए समझने की बातों को देखिए प्रिय साथियों समझिए पहला है यहां मैं लिख रहा हूं फाइव नंबर का पहला पार्ट देखो बेटा स्क्वायर में जुड़ेगा तो क्या कोई नया पद बनेगा बोलो पहले हाँ बनेगा कि नहीं बनेगा हम्म अगर इसमें ये जुड़ेगा तो क्या कोई नया पद बनेगा पीएनजी जी बताओ आ? नहीं बनेगा ना इसमें ये जुड़ेगा तो कोई नया पद नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों सजातीय पद नहीं है और सजातीय पद क्या होते हैं ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं है ना बेटा तो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं तो ये एक पद ये हो गया एक पद ये हो गया ये द्विपद है क्या है द्विघात बहुपद आप इसे बोल सकते हो ठीक है द्विपदी है द्विघात बहुपद बोल सकते हो ठीक है सेकंड नंबर में देखो बेटा एक्त माइनस का क्यूब यक्स यक्स का क्यूब इसमें भी घाते अलग अलग हैं ये भी आपस में ना जुड़ेगा ना घटेगा तो यह भी दुई घात बहुपद हो जाएगा बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना देखो ये एक पद हो गया एक पद ये हो गया एक चीज ध्यान रखना अगर ये कुछ ऐसे लिखा होता यक्स इंटू यक्स का क्यूब तब इसका हम गुड़ा करके यक्ष का पावर फोर लिख सकते थे ये रैखिक बहुपद बोलते हैं इसको हुँ? क्या ये पद ही बोल रहा है घात वाला बोल रहा है भाई एक मिनट एक मिनट सॉरी 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 एक मिनट इसमें कुछ और करना था एक मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये कितने पद का बहुपद है ये नहीं बताना आपको इसमें रुको थोड़ा मैं जो बताया वो तो सही बताया लेकिन इस क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा था कि रैखिक बहुपद जिसकी घात एक होगी मैक्सिमम वो रैखिक बहुपद होगा ठीक है द्विघात त्रिघात ये घात की बात कर रहा है पद की बात नहीं कर रहा है तो साथ ही मेरे जो मैं आपको बताया अभी वो एक अलग चीज है ठीक है वो एक अलग चीज है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा तो ये पहला क्या बेटा द्विघात बहुपद है हाँ उसके ये द्विपद में भी है ठीक है द्विघात भी है ठीक है लेकिन ये त्रिघात होगा तिरघात बहुपद है जो मैं अभी द्विपद बताया द्विपद बहुपद है ये सही है यह द्विपद बहुपद भी है जबकि आपके क्वेश्चन में द्विपद बहुपद नहीं पूछा था तो ये द्विपद और तिरघात बहुपद है यानी इसमें पद दो हैं और घातें तीन है मैक्सिमम समझ में आया ना तो ये द्विपद बहुपद के साथ साथ तीन घात वाला बहुपद है क्वेश्चन में सिर्फ घात से संबंधित सवाल पूछा है बस और ये क्या है ये तो फिलहाल अलग चीज है मैंने लिखा था इसको हटाओ तो आप लोग बातों पे ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं अगला थर्ड वाला देखो बेटा थर्ड वाला देखो थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट क्या कह रहा है थर्ड कह रहा है कि y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस फोर देखो इसको समझो अगर बात करें पद पद की दृष्टि से तो ये तीन पद बहुपद है हा तीन पदों वाला बहुपद है जिसे त्रिपद बोलेंगे एक प्रकार से त्रिघात नहीं हम्म लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग ये द्विघात बहुपद है क्या है ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें मैक्सिमम घाते दो हैं क्या है मैक्सिमम घाते दो हैं बेटा, है बेटा दो हैं। नाइन्थ वाले बच्चों के है मजा नहीं आ रही ना आप लोग क्लास को लाइक शेयर नहीं कर रहे हो बेटा अब ये क्लास ज्यादा नहीं चल पाएगी क्योंकि आप लोग कर नहीं रहे हो कुछ मजा नहीं आ रही फिर हाई स्कूल वालों काम चलाएंगे इसी टाइम पर क्योंकि वो ज्यादा परेशान है चलो और इसका अगला पार्ट y प्लस एक्स वन प्लस एक्स सॉरी तो बेटा इसमें क्या है मैक्सिमम घात वन है क्या है मैक्सिमम घात वन है तो ये रैखिक बहुपद है क्या है ये रैखिक बहुपद है ये रैखिक बहुपद है लीनियर पॉलिनोमियल इसे बोल सकते हो आप ठीक समझ रहे हो ना आप सभी देख रहे हो कितने बच्चे जुड़े हैं 100 200 बच्चे भी क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो कैसे चलेगी बैच बताओ अगर 100 बच्चे भी नहीं है तो कैसे पढ़ाएंगे नाइन्थ का टेंथ वालों को पढ़ाएंगे अब क्योंकि टेंथ वाले बहुत बच्चे फोन करते हैं काफी परेशान है स्कूल वाले क्योंकि हमारे जो बच्चे थे नाइन्थ में कम से कम बारह बच्चे थे वो सब टेंथ में चले गए लगभग हाँ यूपी बिहार वाले जो थे लगभग टेन में चले गए हैं जो झारखंड वगैरह से हैं एमपी से हैं दिल्ली वगैरह से हैं कुछ जगह के अभी रुके हैं तो वो भी जल्दी टेन में चले जाएंगे न? वो भी जल्दी टेन में ही चले जाएंगे तो ये हो गया आपका एक है पांच नंबर जिसमें सिर्फ थ्री टी लिखा है क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है बाबू फाइव नंबर फाइव का फाइव नंबर पार्ट थ्री टी इसमें बहुपद की मैक्सिमम घात कितना है बहुपद की मैक्सिमम घात कितना है देखो इसमें तो सिर्फ टी है एक वेरिएबल और टी का कोई घात नहीं तो वन घात माना जाता है तो ये एक घात वाला है तो इसे बोलेंगे रैखिक क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद ठीक है अगला देखो छे नंबर छ नंबर देखो अगला कह रहा है कि आर का स्क्वायर आर है ना आर का स्क्वायर तो बेटा ये आर का स्क्वायर है इसमें दो घात इसे बोल सकते हो क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात क्या है दो है ठीक है ऐसे ऐसे सब कर डालो बस ज्यादा कुछ करना नहीं है ऐसे सब कर लेना बस हो गया इसमें कुछ नहीं बताना है तो आपका ये आ, अगला द्विघात बहुपद है अगला क्या है द्विघात बहुपद है इस तरह से आपका ये सब खत्म हो गया एक्सरसाइज खत्म हो गया चैप्टर खत्म हो गया और बच्चा लोग अगर कुछ कहना चाहते हो तो बोलो हम्म अच्छा आपको पदों के बारे में बता दें कि लग, जल्दी जल्दी खत्म करें क्या कह रहे हो टू पढ़ाएं 2.2 का क्वेश्चन तो हमारे पास स्क्रीन पे है नहीं तो अभी तो फिलहाल हम टू पॉइंट टू नहीं पढ़ाएंगे देखो बेटा एक बात बता दें आप चाहें तो पी स्टडी ऐप डाउनलोड करके पूरा कोर्स कम समय में जाके देख सकते हैं ठीक है अभी कुछ दिन बाद ये क्लास रिविजन होगी तो रिविजन होगी तो आपको डेली ईमानदारी से पढ़ना होगा हम्म ठीक है अब क्या करा जाए आगे बढ़े अब ये बताओ ये कितने घात का बहुपद है घात वाला तो छोड़ो एक पदी या दू पदी कितना पदी है ये जैसे यक् का स्क्वायर प्लस यक् और इंटू फाइव ये कितना पद का बहुपद है एक पद दो पद या तीन पद कितना पद का बहुपद है बोलो हम्म जी बिल्कुल चलेगा बिल्कुल चलेगा टेंथ का सुबह आठ बजे से हाँ कक्षा दस का सुबह आठ बजे से लेकिन हम शाम को भी चला के देखेंगे कि बच्चे किस में ज्यादा आते हैं शाम वाले में सुबह वाले में ठीक है बेटा तो इसको बताओ कितना घात का बहुपद है ये कितना पद वाला है जल्दी जल्दी बोलो ये कितने पद का बहुपद है हम्म ये तीन पद का कुछ लोग बता रहे हैं देखो बेटा यहाँ गुड़ा का चिन्ह लगा है तो ये का स्क्वायर प्लस ये मल्टीपल हो जाएगा फाइव ये सिर्फ दो पद बचा है ये तीन पद का नहीं था ये दुई पद वाला बहुपद है ये चीज आपको ध्यान देना इसमें यही तो समझना है अगर आप हाई स्कूल में चले जाओगे ये सारी बातें आपको नहीं आएंगी तो क्या करोगे बेटा बहुत मुश्किल होगी ना क्या करोगे मुश्किल होगा ना एक और बताओ नाइन अपान इंटू ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर इंटू सेवन ये कितने पद का बहुपद है बोलो कितने पद का बहुपद है सचिन तिवारी लक्ष्मी कुमारी सीलू पाल चौहान मिक्सिंग कितने पद का बहुपद है कोशिश करके देखो सभी बच्चे देखो ये 2.1 आपका खत्म हो गया 2.1 खत्म हो गया एक क्लास में हम एक का एक्सरसाइज पढ़ाते हैं एक से अधिक नहीं पढ़ाते हैं तो आप सभी चाहें तो पीबीआर स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और ऐप में जा करके पूरा क्लास ले सकते हैं अच्छे फिर से ढंग से सुंदर से और पढ़ सकते हैं आराम से ठीक है मिलते हैं फिर कल की क्लास में शाम को सात बजे अगर आप नाइन्थ में हैं आपके घर में बच्चे हैं भाई हैं तो उनको क्लास को शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चे आने चाहिए जिससे आपकी क्लास रेगुलर चल सके शाम को सात बजे नाइन्थ की क्लास सुबह आठ बजे कक्षा दस का ठीक है जिनको नहीं मिलता है सुबह आठ बजे वो पी स्टडी ऐप डाउनलोड करके उसमें जाके ले सकते हैं टेंथ वाला